सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। ये लगभग 4 साल पहले की बात है, मैंने कुछ स्टूडेंट से एक परेड में, यानी एक परेड चल रही थी 26 जनवरी की, तो क्या हुआ था, मैंने कुछ स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा कि बेटा आप जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हो। तो वो बच्चे हंस रहे थे बहुत ज़्यादा, सारे ही बच्चे वो हंस रहे थे, ये कह रहे थे कि सर फ्रीडम फाइटर्स हीरो हैं क्या, वो कौन सी मूवी में आते हैं, कौन से सीरियल में आते हैं। तो ये चीज़ आप सोच सकते हो कि जो हीरो वर्ड है, वो हीरो वर्ड हम उन्हें देते हैं जो मूवी के एक्टर्स हैं, है ना, जिन्हें देश से या देश प्रेम से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ पैसों से लेना देना होता है, पैसा कमाए और चले गए। तो हीरो मींस आप, फिलहाल मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है। मेरा मकसद ये है ये वीडियो बनाने का कि मैं आप लोगों को एक टीचिंग एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था उससे जुड़ी हुई एक टिप देना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कोई भी स्टूडेंट है या जो भी मैच्योर नहीं हुए हैं, या आपके छोटे भाई बहन बच्चे, जो कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, रिश्तेदारों के बच्चे भी हो सकते हैं, तो आप उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा कीजिए, जो हमारे देश के जो रियल हीरोज़ हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहिए आप लोगों को, छोटे छोटे उन बच्चों से। और जो पुराने, जो हमारे इतिहास के जो और भी बड़े हीरोज़ हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज हमारे, तो इस तरह के क्वेश्चन, इनके बारे में क्वेश्चंस आपको पूछते रहना चाहिए, और बातों बातों में हंसी मजाक करते हुए आपको इनके बारे में बताना चाहिए, ना कि आप जो छोटे मोटे जो सीरियल्स, टीवी सीरियल्स है या जो मूवीज़ है, इनके बारे में आप बात कर रहे होते हो, तो बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में यही चीज़ें बैठी हुई होती हैं कि जो हीरोज़ हैं वो सीरियल में ही आते हैं या टीवी में ही आते हैं, और जो दिखते हैं वही हीरो है, जो स्टाइल मार रहा है, दारू पी रहा है, फाइट कर रहा है, वो हीरो होता है, उनकी नज़रों में सिर्फ यही इमेज बैठी हुई है। तो आप इस इमेज को हटा सकते हो। और एक और चीज़ होती है बहुत ज़रूरी, कि आप, आपके ऊपर होता है, जैसे क्या होता है, मैंने आप लोगों को जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, यार ये बोलने की आदत मेरी, ये होता है कि आप जैसी बात कर रहे होते हो, बच्चों के आसपास जो एटमॉस्फेयर होता है, चाहे जैसे पेरेंट्स भी हैं मेरे, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो वीडियोस देख रहे होते हैं, या जिनके छोटे भाई बहन हैं, तो आप बच्चों के सामने थोड़ा सा केयरफुल रहा करिए। जैसे आप अपशब्द यूज़ करते हो, ऐसे कोई गाली गलती से निकल गई या कोई गलत शब्द आपके मुँह से निकल गया, तो आपको 2-3 बार सॉरी बोलना चाहिए, है ना, उन बच्चों से बोलिए, या फिर खुद ही किसी से भी आप बोल सकते हो, ताकि उनको ये रियलाइज़ हो कि यार ये गलत शब्द है ना। इस तरह की चीज़ें आप वो कीजिए, क्योंकि आजकल वही चीज़ें हैं कि बच्चों को टिकटॉकर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं और क्या बोलेंगे, यही लोग उनको ज़्यादा हीरोज़ की तरह नज़र आते हैं, उन्हीं को ये लोग हीरोज़ मानते हैं। तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इनको ये हीरोज़ जो नज़र आते हैं, रियल फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी नज़रों में ये हीरो बने, और जो हीरो वर्ड है इन्हीं के लिए है, और जो एक्टर्स हैं उनके लिए वर्ड, जो मूवीज़ में काम करते हैं उनके लिए सिर्फ यही वर्ड होना चाहिए कि वो एक्टर हैं और एक्टिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं, है ना, हमारे जो हीरोज़ हैं वो ये हैं। उसके अलावा उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, ताकि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि ये आइकॉन थे यार, हमें इन लोगों को फॉलो करना चाहिए, इन लोगों ने ऐसा क्या काम किए हैं कि लोग इनको याद करते हैं और लोग इनकी मूर्तियां बना रहे हैं, लोग इनको सैल्यूट कर रहे हैं, लोग इनकी जयंती मना रहे हैं हमारे। इसके अलावा एक और चीज़ है, बच्चों के सामने आप लोगों को टीवी सीरियल और मूवीज़ की, स्पेशली कोई यदि कोई लेडी या कोई लड़की मेरा वीडियो देख रही है, तो उसे ये चीज़ समझना होगा कि बच्चों के सामने टीवी सीरियल या मूवीज़ की बातें कम से कम करें, या हो सके तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका जो दिमाग है, मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि आजकल के बच्चों का जो दिमाग है वो एक्टिव नहीं है, वो सुपर एक्टिव है, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। बच्चों का जो ब्रेन है आजकल, बहुत ही जल्दी बच्चे मैच्योर हो जा रहे हैं,
और अलग अलग तरह की चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे जिन चीज़ों को हमारे समय में सीखने में हमें 2-3 साल 5 साल लग जाते थे, उन्हीं चीज़ों को बच्चे 6-7 महीनों में 3-4 महीनों में सीख जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि आप लोगों को बच्चों के सामने टीवी सीरियल्स और मूवीज़ की बातें कम से कम करिए, और हो सके तो आप अच्छे से अच्छी मैं महापुरुषों के बारे में, महाराणा प्रताप वगैरह जो भी है, महाराणा प्रताप है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि ये लोग कितने महान थे, कितने इंटेलिजेंट थे, कितनी सारी डिग्रीज थी इनके पास, कितना सारा इनका इनके पास ज्ञान था, कितनी इनको ताकत थी। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में आप बताइएगा, शिवाजी महाराज के बारे में बताइएगा कि किस, शिवाजी महाराज की कहानी तो इतनी, मतलब उनके ऊपर तो मतलब कितने सारे, मतलब जितनी बात करूँ उतनी कम है। तो वही चीज़ है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, तो उनके बारे में भी आप उन्हें बता सकते हो कि महारानी लक्ष्मीबाई, उस समय का ऐसा कोई हथियार नहीं था जो महारानी लक्ष्मीबाई को चलाते ना आता हो, है ना। आप सोच सकते हो कि वो लेडी होकर इतना था, रानी अवंती बाई। तो इन सभी के बारे में उनको स्टोरीज बताइए इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना, ताकि उनको ये ना लगे कि यार ये बहुत बोरिंग है, यार ये बहुत बेकार है यार, है ना। कई बार ये हो जाता है कि उनके साथ के लोग बात कर रहे होते हैं, अरे यार ये तो बहुत सिरदर्द सब्जेक्ट है यार, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म रख दिया है उन्होंने, जैसे SST का फुल फॉर्म रखा है सारी दुनिया का दर्द है, यानी इसी सारे संसार की टेंशन SST का फुल फॉर्म उन्होंने रखकर बैठा हुआ है। मैथ्स का मेरी आत्मा तुझे सताएगी, इस तरह का, मतलब हमेशा सताएगी, इस तरह का मैथ्स का उन्होंने फुल फॉर्म रखा हुआ है। तो आप सोच सकते हो, ऊपर से कोरोना लॉकडाउन वगैरह ने पूरा बेकार करके रखा है एजुकेशन सिस्टम को। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों को थोड़ा सा आप कम में लेकर मत रखिए, हल्के में मत लीजिए बच्चों को, जो देश का भविष्य है, और जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हमसे कई गुना ज़्यादा तेज़ है, तो उन बच्चों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, और आप लोगों को, आप सभी लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।